नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सिविल इंजीनियर दीपक कुमार। आप देख रहे हैं दीपक होम प्लान। दोस्तों, आज मैं एक प्लान लाया हूँ जो कि 32 बाय 23 स्क्वायर फीट में डिजाइन किया गया है। राउंड फिगर में एग्जैक्ट आप देख ही रहे हैं, 31 फीट 10 इंच बाय 22 फीट 10 इंच में डिजाइन किया गया। इसमें 2 BHK मैं निकाला हूँ, 2 बेडरूम आपको मिल जाएगा, हॉल और किचन मिल जाएगा। चलिए इसको हम लोग बारीकी से डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने से पहले, अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। इससे यह बेनिफिट होगा, जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा वो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में शो होगा। चलिए, इसका जो हम लोग एंट्री डोर रखे हैं वह आपको मिल जाएगा ये सामने से। आपको देखिए 6 नंबर डोर से आप डायरेक्ट ड्रॉइंग हॉल में आप कीजिएगा एंट्री। ड्राइंग हॉल का जो साइज है वो 10 बाय 11 फिट है, जो कि एक राउंड फिगर में आप देख ही रहे हैं। इसके जस्ट लेफ्ट से हम स्टेयर के दिया हूँ, जस्ट हॉल से ही आपको ऊपर जाने के लिए, फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए आपको स्टेयर मिलेंगे, जो 6 फीट वाइड है। 2 2 इंच बीच में मैंने नॉइजिंग के लिए मैं छोड़ा हूँ, जहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं रेलिंग को। चलिए इसका हम लोग बेडरूम नंबर 1 देखते हैं। जैसे ही आप ड्राइंग से एंट्री लीजिएगा बेडरूम नंबर 1 मिलेगा, जिसकी साइज़ जो है 10 फीट 5 इंच बाय 11 फीट है, आप देख ही रहे हैं। और साथ में इसका अटैच है बाथरूम, बाथ प्लस WC मिल जाएगा। बाथ प्लस WC का जो साइज़ है वो 4 बाय 7 के, 4 फीट चौड़ाई, 7 फीट इसकी लंबाई मिल जाएगी। और साथ में आप लेफ्ट साइड में सिंक देख रहे हैं, सिंक यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं इस एरिया में। और जो बेडरूम नंबर 2 है वो देख लीजिए 11 बाय 13 फीट 7 इंच है, इसकी साइज़ है वो अच्छा, एक मास्टर बेडरूम की तरह इसे यूज ले सकते हैं। इसके साथ भी अटैच है, जो कि 5 बाय 7 का आपको बाथ प्लस WC मिल जाएगा अटैच में। और साथ में बाहर में एक सिंक, आप चाहे सिंक की जगह आप ड्रेसिंग का भी यूज ले सकते हैं। चलिए हम लोग इसका किचन का डिस्कस करते हैं। किचन की जो साइज़ है वो 7 फीट बाय 10 फीट की है, जो कि एक बहुत बड़ी किचन है, एक लग्जीरियस आपको मॉड्यूलर किचन यहाँ पे मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें आपने देख ले, इसकी पोजीशन क्या है बेडरूम की, किचन की, हॉल की और स्टेयर के इसके। चलिए इसके हम लोग डोर और विंडो के बारे में डिस्कस करते हैं। इसका जो देख लीजिए, जो मेन डोर है 6 नंबर, उसका जो साइज़ है वो 5 फीट बाय 8 फीट की है, 7 फीट चौड़ाई और 8 फीट इसकी ऊँचाई मिल जाएगी। साथ में जो डोर आप देख रहे हैं बेडरूम की 1 और 2 जो डोर की जो साइज़ है वह आपको 3 फीट बाय 7 फीट मिल जाएगा, 3 फीट वाइड और 7 फीट इसकी ऊंचाई मिल जाएगी। साथ में किचन का भी सेम ही है, 3 फीट बाय 7 फीट, बट बाथ प्लस WC का जो आप देख रहे हैं डोर वह आपको 2.5 फीट बाय 7 फीट मिलेगा, जो कि एक ठीक ठाक है, आप यूज कर सकते हैं बाथ प्लस WC के लिए। चलिए इसके हम लोग विंडो डिस्कस करते हैं। विंडो आप सारे जो विंडो देख रहे हैं, बस स्टेयर केस और बाथ WC का वेंटिलेशन छोड़ के सारे आपको 4 फीट बाय 4 फीट का, 4 फीट चौड़ाई और 4 फीट इसकी ऊंचाई मिल जाएगी। जो स्टेयर किस में है, जो 3 फीट इसकी वाइड मिलेगी और ये नीचे से लेकर टॉप तक आपको इसका ग्लास पैनल का विंडो रहेगा। जो आपको वेंटिलेशन मिलेगा बात कर जलो से, ये 2x2 रहेगा, जो कि आपके छत से अटैच रहेगा। ये ओवरऑल प्लान रहा, इसका आप PDF जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जरूर चेक कीजिए, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको किसी तरह का प्लान बनवाना हो तो आप हमसे जरूर संपर्क करें, कॉन्टैक्ट डिटेल जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।